गुड मॉर्निंग डियर, आज के हम इस लेक्चर्स में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में मैंने कुछ सब्स्टिट्यूट करके उसको इंटीग्रल फॉर्म में लाया था, अभी भी मैं वैसा ही करूंगा। मैं कुछ और इंटीग्रेशन करना चाहता हूं। जैसे हमने साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो कर दिया था, कॉस एक्स का भी किया था, अब मेरी इच्छा है बेटा मैं टेन एक्स का इंटीग्रेशन करूं। तुमने कहा 10x का इंटीग्रेशन, तुमने कहा बिल्कुल, तो 10x का इंटीग्रेशन भी हम कर चुके हैं। तुमने कहा sec x, cos x, ये सारे इंटीग्रेशन हो गए। अब मुझको इंटीग्रेशन बेटा इनवर्स के करने, जैसे मुझे इंटीग्रेशन कह दिया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तुमने कहा अच्छा अच्छा इसका इंटीग्रेशन करना है। मैंने कहा तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें x की जगह tan थीटा मान लो। ना ठीक है, मान लेंगे। तो dx कितना, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। बहुत बढ़िया, इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह बेटा हम कह दें sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। बहुत बढ़िया बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना, तुमने कहा ये तो sec स्क्वायर थीटा था बेटा, तुमने कहा यस, और ये बेटा कितना sec स्क्वायर थीटा। ये देखो sec स्क्वायर थीटा, ये sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये सिंपल डी थीटा बचा और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी। तो अपन ऐसे कह सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। हमने कहा बिल्कुल, और अगर बेटा ऐसा सीन आता डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा होता और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ता, तो मैंने कहा बेटा इसमें कुछ भी नहीं है, एक्स की जगह ए टेन थीटा मान लो। हमने कहा ठीक है, डी एक्स कितना हो जाएगा, तुमने कहा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे रखो बेटा, यहाँ पे डी एक्स की जगह a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, मैंने किसकी जगह रखा, dx की जगह रखा। अच्छा अच्छा, अब बेटा देखो अपॉन में क्या है, तुमने कहा अपॉन में है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया बेटा, कॉमन ले लो, तो a अपॉन a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a कॉमन ले लो बेटा। तुमने कहा a तो कॉमन ले चुका हूं मैं, बाहर आ गया a स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, देखो ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, 1 अपॉन ए sec स्क्वायर थीटा डी थी अपॉन sec स्क्वायर थीटा। ये है मैंने, ये ए है, बहुत बढ़िया, sec स्क्वायर थीटा, ये sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, 1 अपॉन ए डी थीटा, दैट इज 1 अपॉन ए थीटा प्लस सी। और बेटा हमारे पास क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ गया, हमने कहा 1 अपॉन ए थीटा प्लस सी। बहुत बढ़िया, और थीटा किसको लेट किया था, तुमने कहा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये बेटा हमारा, तुमने कहा बहुत बढ़िया बेटा, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर बेटा यहाँ पे मान लीजिए, अगर ये तो आपने इंटीग्रेशन किया, अब अगर आप मान लीजिए इंटीग्रेशन मुझे करना पड़े इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस, तो आप एक्स की जगह ए कॉट थीटा रखोगे और इसको आप क्या कहोगे, ए कॉट, इसको आप ऐसा भी कह सकते हो बेटा 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स। हमने कहा ये तो हमारे पास इंटीग्रेशन बेटा ये भी आ गया, ये भी इंटीग्रेशन आ गया, एक तो इंटीग्रेशन हमारे पास ये आ गया और ये इंटीग्रेशन तो हमारे पास सही है। तो हम इसको अपन डायरेक्ट कहेंगे बेटा 1 अपॉन ए की वैल्यू 1 है tan इनवर्स x, ये एज ए फॉर्मूला ट्रीट कर लो, ज्यादा बेटर है। मतलब तुमने कहा अच्छा, मींस कोई आपसे बोले इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप बोलोगे tan इनवर्स प्लस सी, और आपसे बोले इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप बोलोगे 1 अपॉन ए tan inverse। बहुत बढ़िया प्लस सी। अब बेटा देखो मेरी बात सुना, मुझको इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x, a स्क्वायर माइनस x रूट में, मैंने कहा बेटा रूट में, बहुत बढ़िया। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करें, तुमने कहा बेटा x की जगह a sin थीटा रख दो, रूट हटाना, हमारा मेन एम हमेशा ये रहना चाहिए कि रूट हट जाए, रूट हटाएं बेटा। तुमने कहा यस, तो dx कितना बेटा a cos थीटा d थीटा। बहुत बढ़िया बेटा,
यहां रख दो ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अपने यहां बाहर ले लें ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, बेटा ए से ए गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, हमारे पास क्या बचा डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या बेटा, थीटा प्लस सी, थीटा कितना है हमने कहा साइन इनवर्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा आंसर है। तुमने कहा यस। और अगर बेटा ऐसा दिख रहा हो ना माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप चाहो तो इसे ऐसे कह सकते हो माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और आप चाहो तो इसे ऐसे भी कह सकते थे माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स की जगह कॉस थीटा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो कॉस इनवर्स बाई ए प्लस सी, हमने कहा यस। अब हमारे पास फॉर्मूले बन गए बेटा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आए तब भी हम डील कर सकते हैं, कैसे आएगा मैं बताता हूँ। अब एक क्वेश्चन बेटा मुझको कहा इंटीग्रेशन करके बता डी एक्स एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन कर। तुमने कहा अच्छा इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हो, मैंने कहा हाँ मैं इसका इंटीग्रेशन कर। ठीक है बेटा इस जगह ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, अब इसको पहले एक फॉर्मूला डेवलप करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स की जगह ए सेक थीटा रख दो, बिल्कुल रख दो बेटा। तुमने कहा ए सेक थीटा, मैंने कहा यस, तो डी एक्स कितना, तुमने कहा ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, बहुत बढ़िया रख दो बेटा ए सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा अपॉन, तुमने कहा ए सेक थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। तुमने कहा अच्छा बेटा ये ए से ए गया सेक थीटा यहाँ क्या बचा वन अपॉन ए, ए स्क्वायर बात है वन अपॉन ए टेन थीटा डी थीटा कौन टेन थीटा, ये टेन थीटा टेन थीटा वन अपॉन ए थीटा प्लस सी विच इम्प्लाइज वन अपॉन ए थीटा यहाँ पे डी थीटा प्लस सी थीटा प्लस कॉन्स्टेंट इसका पहले इंटीग्रेशन। तुमने कहा बेटा ये कितना आ गया, तुमने कहा वन अपॉन ए डी थीटा, और बेटा ये कितना आ गया वन अपॉन ए थीटा प्लस सी विच इम्प्लाइज वन अपॉन ए थीटा क्या लगा सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये आंसर आ गया। मीन्स हमारे पास इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बन गए, तो कोई बोले इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, तुमने कहा वन अपॉन ए सेक इनवर्स बाई ए प्लस, बहुत बढ़िया। अब मैं बेटा फॉर्मूले कुछ आपको याद करने को बोल देता हूं, जैसे सबसे पहला इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर, मैंने कहा बेटा इसको कहना साइन इनवर्स वाई ए प्लस सी, हमने कहा यस। और इसको आप ऐसा भी कह सकते हो और इसको ऐसा भी कह सकते हो माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, बहुत बढ़िया। और अगर यहाँ माइनस लगाओ माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप इसे ऐसे कह दो कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और ऐसे कह दो माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, एक ही बात है जो तुम्हारी इच्छा। तुमने कहा डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स, तो बेटा इसको ऐसा कह दो वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, बहुत बढ़िया प्लस सी। और इसे ऐसे भी कह सकते हो माइनस वन अपॉन ए कॉट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, तुमने बहुत बढ़िया। और अगर ऐसा लगाओ तो माइनस पहले से ही लगाओ तो ऐसे लगाया मैंने, आप इसको ऐसे कहते वन अपॉन ए कॉट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और माइनस वन बाई ए टेन इनवर्स
बहुत ही बढ़िया बेटा, जैसे अब ये कह दिया इंटीग्रेशन, ये बेटा आई है, ये बेटा अगर आई ऐसे लिखा हो, इंटीग्रेशन हो डीएक्स अपॉन डीएक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, आप कहोगे वन अपॉन ए टैक इनवर्स वाई ए प्लस सी, बहुत बढ़िया। और अगर बेटा आई ऐसा लिखा हो माइनस डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप इसको क्या कहोगे बेटा, तो आई कहोगे कॉज एक्स वन अपॉन ए कॉज एक्स इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये हमारा आंसर। मेरे हिसाब से आप कुछ डील कर सकते। ये बेटा हमने कहा वाह यार हम तो सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल बेटा। अब बेटा फॉर्मूले तो हमारे पास आ गए, तुमने यहां आ गए, अब ये क्वेश्चन बन इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स माइनस, तुमने कहा अच्छा बेटा इसको अपन ऐसा कहते हैं डीएक्स अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस वन, तो बेटा यहाँ भी एक्स क्यूब होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर कर दिया कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया। तो एक्स क्यूब को टी मान लो, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना डी टी, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना बेटा, मैंने कहा डी टी बाई थ्री, बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन आई क्या हो गया बेटा, तुमने कहा हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स इज डी टी बाई थ्री अपॉन टी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो ये तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट है, वन अपॉन ए ए कितना वन सेक इनवर्स टी अपॉन वन प्लस सी, दैट इज आई इक्वल सेक इनवर्स टी कितना था बेटा, हमने कहा एक्स क्यूब बाई वन प्लस सी, ये हमारा आंसर। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में, देखिए अब मुझको इसको इंटीग्रेशन करना है, हमने कहा अच्छा इंटीग्रेशन करना है इसका, हमने कहा ये आई इक्वल कितना, हमने कहा वन अपॉन रूट एक्स प्लस एक्स, बेटा देखो आई इक्वल ऐसा कह दे वन अपॉन पावर हाफ प्लस एक्स पावर वन, बहुत बढ़िया। बेटा देखो वन बाई वन इस टाइप के क्वेश्चन में देखना, ये टू और वन इन दोनों का एलसीएम लेना, तो ऐसे क्वेश्चन में इनका ये जो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए टू और वन का एलसीएम कितना होता है, टू होता है, तो एक्स को टी स्क्वायर मान ली, हमने कहा अच्छा डीएक्स कितना हो जाएगा टू टी डी टी, ताकि ये फ्रैक्शन का काम खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं क्या फ्रैक्शन परेशान कर सकता है, तो फ्रैक्शन को हटाना है, तुमने कहा यस चलो बेटा फ्रैक्शन को हटाना टू टी डी टी, तो अब मेरे पास कितना आ गया बेटा बताओ आई इक्वल कितना हो गया, तुमने कहा इंटीग्रेशन डी एक्स कितना टू टी डी टी अपॉन एक्स को तो टी स्क्वायर माना था, तो टी स्क्वायर की पावर हाफ प्लस टी स्क्वायर की पावर वन, बहुत बढ़िया। आई हमारे पास कितना आ गया, तुमने कहा आ गया टू टी डी टी अपॉन टी कॉमन ले लो बेटा टी प्लस ये टी और ये टी कैंसिल हो गया, यस तो आई इक्वल कितना आ गया टू टाइम्स डी टी अपॉन अपॉन टी प्लस वन, बहुत बढ़िया बेटा जबरदस्त। और अब इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, ट्वाइस लॉग ऑफ ई ई प्लस वन प्लस सी, बहुत बढ़िया। तो बताओ आई कितना आ गया टू लॉग ऑफ ई टी, टी की जगह मैंने क्या रखा रूट एक्स प्लस वन, ये हमारा। तुमने कहा वाह यार ये तो बहुत सिंपल है, मैंने कहा बेटा ये बहुत सिंपल। अब देखो बेटा अगर क्वेश्चन में मेरे को इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, कैसा, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया मुझको, क्वेश्चन दे दिया इंटीग्रेट करो आप डी एक्स ऑन पावर वन बाई टू, और बहुत बढ़िया इसको इंटीग्रेट,
मैंने कहा बिल्कुल देखते हैं बेटा। तो आप क्या करो, एक्स को क्या मानो, ये बेटा टू और थ्री का एलसीएम क्या है, सिक्स, तो एक्स को टी की पावर सिक्स, तो डीएक्स कितना बेटा, सिक्स टी की पावर फाइव, बहुत बढ़िया। तो आई इक्वल कितना हो गया, तुमने कहा सिक्स टी की पावर फाइव डी टी अपॉन एक्स की पावर हाफ कितना, टी की पावर सिक्स होल पावर हाफ प्लस टी की पावर सिक्स होल पावर वन बाई थ्री। तो आई इक्वल कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सिक्स टी की पावर फाइव डी टी अपॉन ये कर गया टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर। आई इक्वल कितना हो गया, सिक्स टी की पावर फाइव अपॉन टी स्क्वायर टी प्लस डी टी, ये टी स्क्वायर ये टी। तो आई इक्वल कितना हो, आई हो गया बेटा मेरे पास सिक्स टी क्यूब बाई टी प्लस वन, बहुत बढ़िया। इसमें वन ऐड कर दो और वन सब्ट्रैक्ट, बिल्कुल। तो अभी ये क्या हो गया, आई इक्वल सिक्स टी क्यूब अपॉन टी प्लस वन डी टी और माइनस सिक्स डी टी अपॉन टी, बहुत बढ़िया। आई इक्वल देखो बेटा कितना हो गया, सिक्स टी क्यूब को ऐसा कह सकता हूँ टी प्लस वन, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन अपॉन टी प्लस वन डी टी माइनस सिक्स डी टी अपॉन टी प्लस वन, बहुत बढ़िया। ये टी प्लस वन और ये टी प्लस वन का आई इक्वल कितना हो गया, सिक्स इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन इंटू डी टी माइनस सिक्स डी टी अपॉन टी प्लस। अब आराम से बेटा आई इक्वल कितना, सिक्स टी क्यूब बाई थ्री माइनस सिक्स टी स्क्वायर बाई टू प्लस सिक्स टी माइनस लॉग ऑफ टी प्लस वन प्लस सी, बहुत बढ़िया। ये देखो ये यहाँ से गया टू टाइम्स, ये गया थ्री टाइम्स, तो बेटा हमारे पास आई कितना आ गया, तुमने कहा आई आ गया टू टी, टी कितना था बेटा, तुमने कहा एक्स की पावर वन बाई सिक्स, एक्स की पावर वन बाई सिक्स होल पावर थ्री माइनस थ्री पावर वन बाई सिक्स होल पावर टू प्लस सिक्स पावर वन बाई सिक्स माइनस लॉग ऑफ पावर वन बाई सिक्स प्लस वन प्लस सी। तो बेटा हमारे पास आई कितना आ गया, देखो बेटा तुमने कहा टू एक्स पावर वन बाई टू माइनस थ्री एक्स पावर वन बाई थ्री प्लस सिक्स एक्स पावर वन बाई सिक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स पावर वन बाई सिक्स प्लस वन, ये साथ में सिक्स ही था इधर भी, हाँ ये भी सिक्स ही था माइनस यहाँ भी सिक्स। तो मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आराम से डील कर सकते हैं। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है, मैंने कहा अच्छा ऐसा ही है, मैंने कहा बेटा अब ये क्वेश्चन है बेटा, देखो मुझको इंटीग्रेशन करना है, देखो इंटीग्रेशन करना है एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस, इसका इंटीग्रेशन करना है। तुमने कहा अभी करते हैं बेटा प्लस फोर को टी स्क्वायर मान, तो डीएक्स कितना बेटा, तुमने कहा टू टी डी टी। हमारा मेन काम फ्रैक्शन को हटाना है, कैसे हटाना है ये आप सोच रहे हैं, तुमने कहा यस। तो आई कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की जगह कितना
टी स्क्वायर माइनस फोर माइनस वन, एक्स की जगह रख दिया, डीएक्स की जगह टू टी डी टी अपॉन बेटा टी स्क्वायर का टी, ये टी और ये टी अलग। आई इक्वल कितना आ गया बेटा बताओ जल्दी से, तुमने कहा टू से मल्टीप्लाई किया, टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी माइनस टेन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, तो बताओ आई कितना हो गया बेटा, टू टी की पावर थ्री बाई थ्री माइनस टेन टी प्लस सी, आई इक्वल कितना टू बाई थ्री, टी की जगह क्या बेटा तुमने कहा प्लस फोर की पावर थ्री बाई टू माइनस टेन एक्स प्लस फोर की पावर वन बाई टू। अब आप चाहो ना तो बेटा एक्स प्लस और प्लस सी, तो आई आप चाहो तो इसमें से एक्स प्लस फोर की पावर वन बाई टू कॉमन भी लेके सॉल्व कर सकते आगे, तो नहीं तो इतना भी करोगे तो कोई आंसर। अब बेटा ये क्वेश्चन एक्स अंडर रूट एक्स बहुत बढ़िया, देखो एक्स प्लस टू को टी स्क्वायर मान सकता ना, बिल्कुल मानो, तो डीएक्स कितना टू टी डी टी, बहुत बढ़िया डीएक्स तो टू टी डी टी बहुत बढ़िया। आई कितना आ गया तुमने कहा एक्स तो टी स्क्वायर माइनस टू इंटू ये टी, तुमने कहा डीएक्स कितना टू, बहुत बढ़िया इंटीग्रेशन आई इक्वल कितना इंटीग्रेशन ऑफ टू टी टू 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 टी पावर फोर डी टी माइनस फोर टी स्क्वायर डी टी। अब इंटीग्रेशन आराम से कर सकते आई इक्वल टू इंटू टी की पावर फाइव बाई फाइव माइनस फोर टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी, तो बेटा बताओ जल्दी से आई कितना हो गया, टू बाई फोर फाइव और एक्स प्लस टू की पावर फाइव बाई टू माइनस फोर बाई थ्री एक्स प्लस टू की पावर थ्री बाई टू प्लस सी आंसर, ये हमारा आंसर। तुम चाहो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हो तो बताओ कॉमन कैसे ले लो, एक करके बताता हूँ, प्लस टू की पावर कॉमन ले, यहां क्या बचा टू बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव प्लस टू, मैं बहुत बढ़िया माइनस फोर बाई थ्री और प्लस आई इक्वल कितना टू की पावर थ्री बाई टू और यहां से आया पांच और तीन पंद्रह थ्री सिक्स सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी इट इज आई इक्वल टू की पावर थ्री बाई टू इन सिक्स एक्स माइनस एट बाई फाइव प्लस सी दैट इज आई इक्वल टू कॉमन ले लो टू बाई फाइव प्लस टू पावर थ्री बाई टू और ये कितना बेटा थ्री एक्स फोर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बेटा चाहे एग्जामिनर यहाँ तक छोड़ दे यहाँ तक छोड़ दे वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस को, हम बोर्ड में अगर यहाँ तक पहुँचाएंगे तो थोड़ा एग्जामिनर पर इम्प्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, हमारे को थोड़ा सा फ्री हैंड मार्क्स दे देगा। बेटा ये क्वेश्चन तुमने कहा इंटीग्रेशन करो 4x प्लस टू अंडर रूट ऑफ, अच्छा इसका इंटीग्रेशन करना है, हाँ बेटा ठीक है अभी करते हैं इसका इंटीग्रेशन dx, तो बताओ इसको रूट हटाना है मेन एम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को टी मान लिया टी स्क्वायर मान लिया रूट हट जाएगा 2x प्लस वन dx इज टू टी डी टी, बहुत बड़े। और बेटा यहाँ से 2x कॉमन ले लो तो ये आई कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, 2 कॉमन ले लो तो 2x प्लस वन अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वन ये बेटा ऐसे कह दू इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स ये टू आगे कॉमन। तो यार ये टू तो कॉमन ले लिया था मैंने, टू एक्स प्लस वन डी एक्स को क्या लिखे टू टी डी टी, तो आई इक्वल कितना बेटा टू टाइम्स तो टी लेट कर दो, टू एक्स प्लस वन डी एक्स को क्या लिखो टू टी डी टी, तो आई इक्वल कितना आ गया फोर टी स्क्वायर डी टी, तो आई इक्वल कितना फोर बाई थ्री टी क्यूब प्लस सी विच इम्प्लाइज आई इक्वल फोर बाई थ्री टी को क्या कहें बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल पावर थ्री बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ ये हमारा आंसर। देखा बहुत बढ़िया। अब बेटा इसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ये आई इक्वल कितना बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस थ्री, तुमने कहा सर ये तो डिफरेंशियल पढ़ा है, डिफरेंशियल नहीं पढ़ा होता तो क्या होता, मैंने कहा हैव ए पेशेंस में सारी बातें आपको धीरे धीरे करके समझाऊंगा बेटा ये करना। तो तुम क्या करो टू एक्स रूट हटाना है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टी स्क्वायर वन, फोर एक्स प्लस थ्री डी एक्स इज टू टी डी टी, तो बेटा ये फोर एक्स प्लस थ्री डी टी कितना हो गया टू टी डी टी अपॉन टी, ये टी ये की इक्वल कितना आ गया विच इम्प्लाइज आई इक्वल टू टाइम्स डी टी, यस और इंटीग्रेशन क्या हो गया टू टी प्लस सी ट्वाइस अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज योर आंसर। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही है, दो चार क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा सा फील और आएगा। ये मैं सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए ही करवा रहा हूं, अब ध्यान से समझें बेटा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, बाकी तो अब मुझे अगले टर्म पे चलना चाहिए था होल पावर के तो यस। अब बेटा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस नाइन को टी माने तो क्या डिफरेंशियल पढ़ा है क्या टू एक्स प्लस फाइव, अरे डिफरेंशियल तो पढ़ा है बहुत बढ़िया, आई इक्वल कितना आ गया ने का डी टी अपॉन टी दैट इज लॉग ऑफ प्लस सी दैट इज आई इक्वल कितना लॉग ऑफ टी टी कितना एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस नाइन प्लस कौन सा। अब बेटा यहां पे देखो ये क्वेश्चन इंटीग्रेट सिक्स एक्स माइनस सेवन डी एक्स अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव, बेटा देखो ध्यान से समझना इसका डिफरेंशियल ऊपर पड़ा है मैंने कहा यस, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव को टी मान लिया होल स्क्वायर बहुत बड़े रूट नहीं है कोई भी, डिफरेंशियल क्या बेटा तुमने सिक्स एक्स माइनस डी एक्स इज डी टी बहुत बढ़िया, आई कितना आ गया बेटा तुमने कहा आई आ गया डी टी अपॉन टी स्क्वायर, तो आई को हम ऐसा कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर माइनस टू डी टी That is t power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus plus c that is I equal minus 1 upon t plus c that is I equal minus 1 upon 3x square minus 7x give it up this is yours Nagaj। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस इसको टी माने जिसका डिफरेंशियल पड़ा है दो बेटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टी मान लिया तो डिफरेंशियल क्या कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स डी टी That is cos x minus sin x
इंटू डी एक्स इज डी टी, बेटा ऊपर पड़ा है डिफरेंशियल, तो आई कितना, हमने कहा डी टी अपॉन टी दैट इज लॉग ऑफ टी प्लस सी दैट इज आई इक्वल लॉग ऑफ ई टी कितना, तुमने कहा कॉस एक्स प्लस, ये हमारा आंसर। अब बेटा देखो इसका डिफरेंशियल करना, इंटीग्रेशन करना है बेटा, आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लॉग ऑफ इसका इंटीग्रेशन, तुमने कहा बेटा लॉग ऑफ sec x प्लस टेन को टी मानो, हमने कहा यस इसका डिफरेंशियल क्या है वन अपॉन sec x प्लस इंटू sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, बेटा कॉमन ले लो तो sec x प्लस tan x ऑन sec x डी एक्स इज डी टी, ये और ये की जा रहा है sec x डी एक्स फुल डी टी बस, तो i इक्वल कितना आ गया हमारे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी इंटीग्रेशन लॉग ऑफ टी प्लस सी दैट इज i इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई sec x प्लस टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा जैसी सुने हुआ यार, ये तो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल क्या बहुत ही सिंपल है। अब ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स पी, उसको मानो जिसका डिफरेंशियल पड़ा इनका, ये सीबीएसई में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को टी मान लो, ए स्क्वायर एज इट इज टू साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस प्लस बी स्क्वायर टू कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन डी एक्स इक्वल डी टी, बेटा टू साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लो और यहां क्या बचा बेटा, हमने कहा यहां बचा ए स्क्वायर माइनस बी, बहुत बढ़िया डी एक्स इज डी टी। तो बेटा ये हमारे पास साइन टू एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं कह सकता तुमने कहा अच्छा ऐसा कहना चाहते हो ऊपर वाले को, मैंने कहा हाँ बेटा ये डी एक्स था इसको मैंने ऐसा लिखा, यही कितना हो गया डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कितना I इक्वल वन अपॉन बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन दैट इज I इक्वल वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग ऑफ टी प्लस सी दैट इज I इक्वल वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग ऑफ ई ई कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को प्लस कॉस, ये हमारा ये क्या कहा ये लो बेटा, मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। अब बेटा देखो अगला क्वेश्चन ये है वो इंटीग्रेट कर एक्स टेन इनवर्स एक्स क्यूब वन प्लस एक्स और साथ में टी, कोई टेंशन नहीं टेन इनवर्स एक्स क्यूब को टी मान लो का डिफरेंशियल, तो मैंने कहा वन प्लस एक्स स्क्वायर जिसको एक्स लिखा था उसको टी बटा इसका डिफरेंशियल एक्स क्यूब का टी एक्स स्क्वायर डी
इज डी टी, मीन्स हम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स पावर सिक्स को डी टी बाई थ्री कह सकते। तो बताओ आई कितना आ गया, हमने कहा एक्स स्क्वायर बेटा कितना, एक्स क्यूब को तो टी माना था, ये डी टी बाई थ्री, इस आई इज वन बाई थ्री इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, इस आई इक्वल वन बाई सिक्स, ये कितना था टेन इनवर्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा मेरे हिसाब से आपको बात समझ में। चलिए हम इसका इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, तुमने कहा अच्छा इसका इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, मैंने कहा बेटा देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, कुछ भी नहीं है बच्चों जैसी बात है आराम से समझे। तुमने कहा अच्छा इसका इंटीग्रेशन करोगे, मैंने कहा हाँ, आई इक्वल रूट ऑफ टेन एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। बेटा क्या करो जितनी साइन की पावर है उससे डिवाइड करो, बेटा आई इक्वल कितना आ गया रूट टेन एक्स अपॉन टेन एक्स और कॉस एक्स कॉस स्क्वायर। तो आई इक्वल कितना आ गया बेटा, तुमने रूट चढ़ गया तो बेटा यहां कितना होगा रूट टेन एक्स वन अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तुमने कहा अच्छा बेटा देखो i को टेन एक्स को टी स्क्वायर मान, तो क्या होगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू t dt। तो हमारे पास i कितना आ गया, तुमने कहा आ गया टू t dt अपॉन ये t स्क्वायर था तो ये t आ गया, ये t और ये t कैंसिल हो गया, i इक्वल कितना टू टाइम्स डी टी, आई इक्वल टू टी प्लस सी, आई इक्वल कितना आता टू टू इंटू टी कितना था बेटा टेन रूट टेन एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर। तुमने कहा अच्छा, तुमने कहा हाँ बेटा, बेटा देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, आई इक्वल एक्स अपॉन रूट टू एक्स प्लस थ्री प्लस रूट टू एक्स माइनस। बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो ऐसे क्वेश्चंस को रेशनलाइज करके पहले हटा दो, टू एक्स प्लस थ्री माइनस टू एक्स माइनस थ्री ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड। तुमने कहा यस आई इक्वल कितना आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट टू एक्स प्लस थ्री माइनस रूट टू एक्स माइनस थ्री इंटू डी एक्स अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर करेंगे, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू एक्स प्लस थ्री माइनस इसका माइनस टू एक्स प्लस ये टू एक्स गया, आई इक्वल कितना आ गया वन बाई सिक्स इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स प्लस थ्री की पावर हाफ माइनस वन बाई सिक्स टू एक्स माइनस थ्री की पावर हाफ। अब बेटा ये आंसर, तुमने कहा अच्छा अच्छा ये बात है, मैंने कहा हाँ बेटा। तो आई इक्वल अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या, आप चाहो तो इसे टी मान लो और फिर इंटीग्रेशन करो या डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो 2x प्लस 3 की पावर 3 बाई टू, क्योंकि x के लीनियर कोफिशिएंट को तो डिवाइड डिवाइड कर देंगे अपॉन 3 बाई टू इंटू एक्स का कोफिशिएंट कितना 2 तो 2 से डिवाइड कर दो, बहुत बढ़िया 1 बाई सिक्स 2x माइनस 3 की पावर 3 बाई टू अपॉन 3 बाई टू
इनटू एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1/2 प्लस सी। बहुत बढ़िया, ये देखो बेटा ये 3/2 था, ये 2 कैंसिल हो, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। बहुत बढ़िया, मैंने कहा हाँ भैया बहुत बढ़िया। तो बताओ आई इक्वल कितना आ गया, तुमने कहा 1/18 ले लो, 2x प्लस 3 की पावर 3/2 माइनस 2x माइनस 3 होल पावर 3/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर है। तुमने कहा बहुत सिंपल है, मैंने सिंपल क्या, सिंपल का भी भाव है, बहुत इजी क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ dx अप 1 प्लस 10। मैंने कहा बेटा ऐसा क्वेश्चन तो हमने पहले लेक्चर में ही किया था, बिल्कुल सेम ट्रैक का क्वेश्चन है। कैसे, dx अपॉन 1 प्लस sin x अपॉन cos x, तो ये हो गया बेटा एलसीएम ले लो तो cos x अपॉन sin x प्लस cos इंटू dx। तो बेटा इसको मैंने कहा था sin x इसमें ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, sin x प्लस cos x। बेटा इसको कैसे डील करें, इस क्वेश्चन को डील करने का हमारे पास तरीका क्या है। तुमने कहा इसको हम कैसे डील करें, हाफ एंगल में तोड़ें, या बेटा क्या करें इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब इसको ऐसा कह सकते हैं cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस i, अब क्वेश्चन 2 कौड़ी का हो गया। तुमने अलग अलग किया इसको तो ये कितना आ गया बेटा cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin अपॉन cos x प्लस sin dx। बेटा ये और ये कैंसिल हो रहा, तुमने कही है आई इक्वल कितना, ये आ गया बेटा dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x ऑन cos प्लस sin इंटू dx। अब cos x प्लस sin x को t मानो तो इसका डिफरेंशियल क्या, cos x माइनस sin x cos x dx is dt। बहुत बढ़िया, तो डिफरेंशियल पढ़ा है बेटा, तो i इक्वल कितना आ गया बेटा dx प्लस ये कितना बेटा cos x sin x को dt अपॉन, तुमने कहा विच इम्प्लाइज dx का x प्लस dt अपॉन t का log ऑफ t प्लस c, दैट इज x प्लस log ऑफ t। t कितना था बेटा cos x प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारा आंसर। मेरे हिसाब से आराम से ऐसे क्वेश्चन को डील कर, 1 प्लस कॉटेक्स भी बिल्कुल डिटो है एग्जाम का ये, और ये सीबीएसई 2000 में आया है बेटा, ये तो 2 कौड़ी का क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 10x ऑन 1 प्लस 10x या साइन कॉस में चेंज करें, 1 माइनस sin x अपॉन cos x ऑन 1 प्लस sin x अपॉन cos इंटू डी एक्स, आई इक्वल एलसीएम ले लो तो बेटा कितना cos x माइनस sin ऑन cos x डी एक्स। तो बेटा sin x प्लस cos x को t मान लो, डिफरेंशियल cos x माइनस sin x डी एक्स इज dt।
तो बेटा हमारे पास आई कितना आ गया, तुमने कहा डी टी अपॉन टी, तुमने कहा यस। अब बेटा इसको क्या कह सकते हैं, आई इक्वल लॉग ऑफ टी प्लस सी, दैट इज लॉग ऑफ ई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इन, ये हमारा आंसर। तुमने कहा यार ये तो बहुत ही सिंपल है, मतलब वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन तुमने कहा इसका इंटीग्रेशन अपॉन sec x प्लस, तुमने कहा अच्छा साइन कॉस में चेंज, वन अपॉन कॉस एक्स प्लस। तो बेटा ये कितना आ गया है, sec x प्लस कॉस एक्स है, आई इक्वल कितना डी एक्स है, आई इक्वल कॉस एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस कॉस, तो टी माने तो डिफरेंशियल चाहिए, आई इक्वल ये बेटा कॉस एक्स डी एक्स ऑन अपॉन वन प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर। बहुत बढ़िया, तो यार आप साइन एक्स को टी मान सकते, कॉस एक्स डी एक्स इज डी टी, तो आई इक्वल कितना, तुमने कहा बेटा कॉस एक्स डी एक्स को तो डी टी माना और टू माइनस टी। बेटा इसका फॉर्मूला आपके पास नहीं है, मेरे पास तो है, आपके पास नहीं है, मैं आगे इसको डेवलप करूंगा। ये बेटा इस तरह का फॉर्मेट बन गया टी अपॉन, मैं थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन आपको समझाऊंगा तो आपको फील आए कि रूट टू स्क्वायर माइनस टी। इंटीग्रेशन बेटा होता है डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, होता है वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस, तो इसका इंटीग्रेशन वन अपॉन टू रूट टू लॉग ऑफ ई रूट टू माइनस साइन एक्स। टू माइनस अपॉन वेयर ई इक्वल कितना है, ये हमारा आंसर। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आराम से हम डील कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आया बेटा, देखो इंटीग्रेशन करो वन प्लस कॉस और वन माइनस कॉस, बोर्ड में आया। अच्छा क्वेश्चन आए तो रेशनलाइज कर दो बेटा, वन प्लस कॉस है प्लस से कर, तो ये कितना आ गया आई इक्वल वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर डी एक्स, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर। अब अलग अलग करें बेटा, तो आई इक्वल कितना इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस टू टाइम्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तुमने कहा अच्छा अच्छा आई इक्वल कितना आ गया बेटा, तो ये आ गया हमारे पास कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स
इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स, तो आप इसको ऐसा कह सकते हो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस टू कॉट एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब आराम से बेटा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स और एक कॉस एक्स स्क्वायर टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो माइनस आई इक्वल कितना आ गया बेटा, आई इक्वल कितना आ गया, आई इक्वल तो मैं कॉस टू कॉस एक्स का माइनस टू कॉट एक्स और माइनस डी एक्स का माइनस एक्स माइनस टू कॉस एक्स प्लस सी आंसर आ गया। तुमने कहा यार ये तो बहुत सिंपल है, मैंने बहुत ही सिंपल मैं आराम से नहीं सीधा। अब बेटा ये क्वेश्चन तो सॉल्व, मैंने कहा यार रेशनलाइज ही करो और तो कुछ इंटू माइनस वन प्लस कॉस वन माइनस वन प्लस डी एक्स देखा यार कितना मल्टीप्लाई कर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस प्लस साइन एक्स कॉस अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर डी एक्स बस तो अलग अलग करो वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉट एक्स सेक एक्स साइन एक्स एक चला कॉट एक्स तुमने कहा। अच्छा अब बताओ बेटा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कॉट कॉट एक्स कॉस एक्स इंटीग्रेशन क्या माइनस कॉस कॉस एक्स का माइनस कॉट और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन था बेटा लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉट और ये बेटा माइनस कॉस एक्स माइनस प्लस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन प्लस सी ये वारंटी मींस आपको उस फॉर्म में लाना है, फॉर्म में ले आए तो फिर दो कौड़ी का क्वेश्चन हो जाएगा आराम से हम डील कर सकते हैं। बेटा ये क्वेश्चन है, ये तो भी सिंपल सा क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन वन प्लस टू टी स्क्वायर मान लो डी एक्स कितना टू टी डी टी टू टी डी टी अपॉन वन प्लस टी, तो बेटा इसको ऐसा कहते हैं टी प्लस वन माइनस वन डी टी, तो अपन इसको ऐसा कहते हैं टू डी टी माइनस टू डी टी अपॉन आराम से इंटीग्रेशन कर दोगे कितना टू टी माइनस टू ऑफ लॉग ऑफ टी प्लस वन प्लस सी बताओ वैल्यू कितनी टू रूट एक्स माइनस टू लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस वन आंसर दो कौड़ी का। ये तो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस बेटा इसको मैं आई वन प्लस आई ताकि आपको आराम पहले मैं आई वन करता हूँ आई वन कितना है एक्स अपॉन क्या मैं इसको ऐसा प्लस टू माइनस अपॉन प्लस टू डी एक्स तो मैंने ऐसे
इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टू अपॉन एक्स। तो बेटा ये इंटीग्रेशन डीएक्स का एक्स इसका टू लॉग प्लस टू प्लस, ये तो इंटीग्रेशन आई वन आ गया ठीक है। अब आई टू की बात कर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ प्लस वन अपॉन डीएक्स। तो सॉल्व करने का तरीका बेटा रूट हटाना है, मेरा एक ही काम डीएक्स इज रूट डी। तो यहां से आई टू कितना हो जाएगा, हमने कहा आई टू हो जाएगा इंटीग्रेशन छुट्टी आ गया डीएक्स टू टी डी टी अपॉन टी जगह टी स्क्वायर माइनस प्लस टू। बहुत बढ़िया, आई टू हमारे टू टाइम्स टी स्क्वायर में एक वन ऐड कर दो, वन सब्ट्रैक्ट कर दो, नीचे टी स्क्वायर डी टी। आई टू कितना आ गया टू डी टी माइनस टू डी टी अपॉन, क्या इसका इंटीग्रेशन पता है ना बच्चों जैसी बात, टू टी माइनस टू टेन इनवर्स टी। अब आराम से हम सॉल्व, आई टू कितना बेटा टू टी कितना था, इसको लेट किया था बेटा आपने एक रूट एक्स प्लस टू टेन इनवर्स रूट ऑफ एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर। आई वन आई टू को यहां रख दो बेटा, ई इक्वल कितना आई इक्वल मैंने कहा ये लो बेटा आई इक्वल कितना हो गया आई वन, आई वन कितना था मैंने कहा एक्स माइनस टू लॉग माइनस या प्लस प्लस आई टू कितना आई टू मैंने कहा टू रूट प्लस वन माइनस टू टेन इनवर्स रूट ऑफ प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट इक्वेशन, ये हमारा आंसर। मैं कहा यार ये तो बच्चों जैसी बात है, बिल्कुल बेटा आराम से सॉल्व कर सकते। अब बेटा ये क्वेश्चंस हमें करना है, मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को डील कर सकते। ये वन माइनस है वन प्लस एक्स ऑन वन माइनस बेटा रेशनलाइज कर, तो ये कहता हो गया आई इक्वल वन प्लस है वन प्लस एक्स का रूट हट गया वन प्लस ऑन रूट वन माइनस, अब आराम से डील कर सकते। तो I1 प्लस I2 मान ले, I1 कितना तुमने इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट माइनस x स्क्वायर दैट इज साइन इनवर्स x प्लस c। I2 की बात करें इंटीग्रेशन ऑफ x dx वन माइनस x स्क्वायर को t स्क्वायर ये कितना हो गया माइनस एक्स डी एक्स टी डी टी। ए टू कितना माइनस एक्स डी एक्स को माइनस टी डी टी कहते हैं वन माइनस एक्स को विच इम्प्लाइज आई टू इज डी टी इज टू टी प्लस सी टू इज माइनस माइनस प्लस सी। हमारे पास आई क्या हो जाएगा बेटा आई इज व्हाट अब आई मैंने कहा बेटा बच्चों बोलो आई क्या, मैंने कहा आई वन प्लस आई आई वन कितना देखा साइन इनवर्स प्लस आई टू कितना
आई टू मैंने कहा तो आ गया माइनस रूट वन माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ वेरी सिंपल है, आराम से हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बेटा मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझा दिया, अगर आप ढंग से सोचेंगे चीजों को समझेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।